हेलो डिफेंस एस्पिरेंट और रेगुलर सोल्जर, यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन रेगुलर सोल्जर में या फिर जो रेगुलर भर्ती हो रहे विदाउट अग्निवीर आर्मी नेवी एयर फोर्स में, उनके अंदर एक क्वेश्चन है कि सर हमारे को किस हिसाब से पेंशन मिलेगा, यूपीएस में मिलेगा, कोई बोल रहा है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा और कोई बोल रहा है कि आपको ओपीएस में मिलेगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं और क्लैरिटी करते हैं कि इसमें आपको कौन सी पेंशन लागू होगा आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको एनपीएस ओपीएस और यूपीएस में बेस्ट कौन सी ये देखना है तो हमारे डिटेल वीडियो आ रहा है जो आपको कल मिल जाएगा, उसमें देख लेना, पक्का देखना, ताकि आपको एक्चुअली डिफरेंस समझ में आए कि कैसे कैसे आप ट्रैप हो रहे हो। ये जो स्कीम्स आ रहे हैं, ये भी जो यूपीएस आया है इसमें भी आप ट्रैप हो रहे हो, 10% का यहाँ पर आपको अलग से देना पड़ रहा है, वो ट्रैपिंग में आपको उस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो यहाँ पर जो सीधा सा सवाल का जवाब अगर मैं देना चाहूँगा तो इसका आंसर है नो। इसका मतलब आपको कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, ना यूपीएस में ना एनपीएस में। आपके लिए जो कि रेगुलर सोल्जर है और जिनकी भी 15 साल से ज़्यादा सर्विस हो रहा है, आपकी जो भी मॉडल था ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके तहत आपकी पेंशन मिलेगा, वहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना एनपीएस में ना यूपीएस में, आपको सिर्फ ओपीएस। UPS ओनली फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितने भी पैरामिलिट्री के साथ साथ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स को छोड़ के। आर्मी नेवी एयरफोर्स मानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उनको अभी सेम वो OPS में ही है, उनको कहीं भी शिफ्ट नहीं किया गया, क्योंकि इनका पेंशन पहले से ओल्ड स्कीम के हिसाब से था, अभी भी है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर NPS ना UPS आपके लिए लागू नहीं है रेगुलर सोल्जर के लिए। आपको ओल्ड पेंशन के हिसाब से आपकी बेसिक पे का 50% पैसा, आपकी डीए का जो डीए चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर आज की डेट में आप जा रहे हो एचए हवलदार पेंशन जा रहे हो और आपकी बेसिक पे आज की डेट में अगर 40,000 है, तो इसके ऊपर आपके 20,000 आपकी जो ये हो गया और उसके ऊपर डीए आपकी 10,000 रुपया, ठीक है। आप आज की डेट में आपको 30,000 रुपये का पेंशन आपको फिलहाल मिलेगा अगर आप 15 साल 17 साल करके जा रहे हो, तो आज की डेट में 30-35 हज़ार मिलता है, इतना ही मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है आपकी सर्विस के दौरान पेंशन के लिए, ये पेंशन आपको फ्री में सरकार देता है 30-35 हज़ार अगर आप 15 साल नौकरी करके जाते हो। लेकिन NPS में तो कोई मतलब नहीं था, UPS जो लाया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें 10% आपको हर महीना आपकी सैलरी का 10% गवर्नमेंट को देना होगा और गवर्नमेंट उसमें ऐड करेगा अपना 18% आपकी सैलरी में, और ये जो पेंशन आपकी बनेगा वो आपको यूपीएस के थ्रू पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दोगा। इसमें जो एक कैलकुलेटर है, मैंने डिटेल वीडियो बनाया था कल, अगर आपने नहीं देखा है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप निश्चिंत रहिए, जो भी रेगुलर कैडर है, जो भी सर्विस कर रहे हैं, पेंशन जा रहे हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स से, जो भी रेगुलर कैडर में भर्ती हो रहा है होने वाला है, आपके लिए ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी है, आगे भी रहेगा, आपके लिए कोई अभी चेंजमेंट नहीं है ना एनपीएस में ना यूपीएस में। जो रूल्स था आपको ओपीएस में सेम वही रूल्स रहेगा, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके लिए भी, और जो ग्रेच्युटी मिलता है वो भी मिलेगा, सब कुछ सेम है, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे जो वीडियो आ रहा है ओपीएस एनपीएस और यूपीएस में, आप इसकी जो डिफरेंस वाला वीडियो पक्का देखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।